फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम खान किचन ब्लॉग ऑफिसर में आपका स्वागत है। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत से रहिए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बथुए की सब्जी। ना पराठे बनाएंगे, ना दाल बनाएंगे, ना रायता बनाएंगे, आज बनाएंगे उसकी सब्जी। तो मैं किस तरह से बनाऊंगी तो बने रहे मेरे खान किचन ब्लॉग में। चलते हैं। 250 ग्राम बथुआ है, इसे हमने पत्ती पत्ती में तोड़ लिया। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इसका सीजन अब जाने वाला है, तो इसीलिए ये बीच पे आ गया था। तब हमने पत्तियां पत्तियां तोड़ी। आप लोग भी पत्तियां पत्तियां तोड़ना अगर आपके यहाँ मिल जाए। ये देखिए इसमें फूल भी आ गया है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से हम पहले काटेंगे, फिर इसको धोएंगे। बथुए को करते हैं साइड में। अब थोड़ा सा बथुआ हम ले रही हूँ उसे चाकू से इस तरह से मोटा मोटा काट लूँ इस तरह से। पहले हमने मोटा मोटा पहले काट दिया, फिर अब हमने बारीक काटा। ये देखिए तो सारा हमारा बथुआ कटकर तैयार हो गया है। तो ये हमने ले लिया डलिया जाली वाली, इसमें अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा धुलने के बाद में। तो सारा इसी में पलटे ले रहे हैं। बथुआ की रेसिपी बनाने से पहले हमें मटर को ददरा आटा में पीसना है, तो इसके लिए हमने लिया है मिक्सर जार। तो मिक्सर जार में हम डालेंगे मटर। तो चले पहले पीस लें इसको ददरा आटा में। तो हम ददरा आटा में पीस के लिए आए हैं, तो इसको करते हैं साइड में। तो बथुए को धोकर नचोड़ कर एक कटोरे में हमने कर लिया। हम डाल लेंगे मटर जो हमने ददरी आटा में पीसी है। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि प्रॉपर टाइम में हमने ददरी मटर को पीसा है, तो इसको भी हमने बथुए में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन एक कटोरी। तो हरी मिर्चें डाल रही हूँ आधी चम्मच। हींग डाल रही हूँ, तीन हरी मिर्चें हमने काटी थी बताना भूल गए थे। आधी चम्मच जीरा भुंजा हुआ पिसा है। कुछ मसाले डाल रही हूँ, एक चम्मच भर के हल्दी पाउडर है, एक चम्मच से ज़्यादा धनिया पाउडर है, एक चम्मच पिसी हुई मिर्च है, स्वाद अनुसार नमक है, काली मिर्च है पिसी हुई। तो सारी चीज़ों को डाले दे रहे हैं इसमें। तो सारे मसाले को बथुए में मिलाएंगे इस तरह से। तो अच्छी तरह से हमारा बेसन बथुआ मटर जो हमने ददराटा में पीसा है, तो सारी चीज़ों को इसमें हमें मिलाना है। अभी पानी बिल्कुल नहीं हमें डालना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं डालेंगे। तो इसी तरह से पहले हम मिला लें। मसाले को मिलाने के बाद में हमने हाथों से मिलाना शुरू कर दिया है, और पानी बिल्कुल अभी नहीं डाला हमने क्योंकि पहले हमें हाथों से मिलाकर देखना है कि इसमें पानी कितना बथुए में छुटेगा, क्योंकि हमने बथुआ बाद में धोया था। और मटर में भी हल्का सा पानी निकलेगा क्योंकि मैंने उसे ददरा आटा में पीसा है। तो इसी तरह के सारे मिश्रण को इस तरह से मिला लें हम, तो पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा आप देख सकते हैं। तो कम से कम एक से मिनट हम इसी तरह से इसको मसलते रहेंगे। तो एक मिनट हो गया है मसलते हुए, देख सकते हैं आप लोग कितना पचक के रह गया है। पूरा कटोरा भरा हुआ था तो बिल्कुल समेट गया है। तो बस अब चलते हैं गैस के पास। गैस जला दी, गैस के ऊपर रख दिया भगोना। भगोने में हम डालेंगे पानी एक लीटर। तो पानी हमने डाल दिया है, तो ये अच्छी तरह से गर्म होने लगे। तो एक हमने ले ली प्लेट जिसमें सुराख वाली, आपके पास जो भी हो उससे आप कर सकते हैं स्टीम। तो मुझे स्टीम वाला चाहिए प्लेट, तो मैंने स्टीम वाली प्लेट ले ली। तो इसमें हम लगा रहे हैं तेल। तो प्लेट में तेल लगाने के बाद में अब हम एक लोई की तरह बथुए को मिश्रण लिया है। अब इसको हम तरह से दबाएंगे जैसे हमारे घुए के पत्ते बनते हैं उस तरह से। तो पतला पतला करके ये देखिए इस तरह से बना बना के रखेंगे। कटोरे को साइड में कर दिया है। पहली बार हमने सही से आपको दिखा नहीं पाया कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो मैं इस तरह से हाथ के ऊपर रखकर इस तरह से बराबर बराबर चपटा टाइम में बना रही हूँ। तो बस दूसरा भी बन गया हमारा इसी तरह से। हमारे बथुए के गोगे बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं स्टीम करने के लिए। ये पानी में उबाल आने लगा है, तो अब इसको हम प्लेट को रखे दे रहे हैं भगोने के ऊपर इस तरह से। ये देखिए और इस पर लगाए दे रहे हैं एक ऊपर से ढक्कन, क्योंकि इसकी भाप बाहर ना निकले। तो कम से कम 15 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम करेंगे चेक कि बॉयल हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये देखिए चाकू में बिल्कुल नहीं भर रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब गैस की फ्लेम को करें दे रहे हैं बंद। जब तक हमारे गोगा ये ठंडे होंगे तब तक हम मसाला निकालें। तो आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, दो चम्मच भरकर धनिया पाउडर, एक चम्मच भरकर पिसी हुई मिर्चें, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, स्वाद अनुसार नमक कम पड़ेगा फिर डालेंगे। तो अब डालेंगे इसमें पानी थोड़ा सा मसाले को फूलने के लिए, तो थोड़ा और पड़ेगा। तो कम से कम 2 मिनट के लिए मसाले को फुलाएंगे। तो ये ठंडे हो गए हैं, अब ये छूटने लगे हैं ये देखिए। तो अब चल रहे हैं दूसरी प्लेट में कर लें पीसेस काटने के लिए। तो एक एक करके सारी प्लेट में हम
पलटे ले रहे हैं, देखिए कितनी आसानी से ये निकल गए हैं और देखिए कितने सख्त हो गए हैं। तो अब काटेंगे इसके पीसेस, जैसे मछली के पीस नहीं होते बिल्कुल उसी के सेम में हम काट रहे हैं। तो ये देखिए, तो आप चाहे फ्राई करके रूखे भी खा सकते हैं। पीसेस कट गए, अब चले हैं गैस के पास। जलाकर कढ़ाई को रख दिया गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई, तो कम से कम एक बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ सरसों का, तो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो सूखी मिर्च डाली हूँ, एक तेज पत्ता डाल रही हूँ, आधा चम्मच मेथी है, आधा चम्मच जीरा है, कम से 12-13 काली मिर्चें हैं, तो ये खड़े मसाले हम डाल रहे हैं चटकने के लिए, तो अच्छी तरह से ये चटक जाए। इसी में कटी हुई चॉपर वाली प्याज डाल रही हूँ, एक कटोरी भर के बड़े साइज का प्याज था, तो ये गोल्डन ब्राउन तक हमको फ्राई करना है इसको। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, तो अब इसमें डालने हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह से हमें भूनना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भून चुका है, तो अब इसमें डालेंगे हम टमाटर कटे हुए बड़े साइज के, दो हमने काटे हैं, तो इसको भी हमें 2 मिनट तक पकाना है। हमारे टमाटर पक गए हैं, अब इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और जो मसाला हमने घोल के रखा वो डाल रहे हैं इसमें, तो इसे अच्छी तरह से हम चलाते हैं। जो मसाला कटोरे में लगा वो पानी डाल देते हैं इसमें, जो कटोरे में मसाला लगा था उसका पानी खंगाल के हमने मसाले में डाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं इसकी रंगत कितनी अच्छी आई है और कितनी बढ़िया तरह से मसाला हमारा भुन रहा है। तो कम से कम 2 मिनट तक इसी तरह से भुनाई करेंगे कि इसमें से खूब अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया है, मसाले में तेल भी छोड़ दिया, तो अब इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा। पानी के बाद इसमें डालेंगे हम एक एक करके घोगा, क्योंकि मुझे इसको भी कसना है, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी डाला है कि मसाला बिल्कुल सूख गया था, क्योंकि घोगे को मसाले में जब कस देंगे तो इसके अंदर इसकी मिर्ची वगैरह मसाले की टेस्ट सब चला जाएगा। तो उसको एक बार हम इस तरह से मसाले का भूनेंगे, हमने अच्छी तरह से इसे कस लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पानी हम इसमें ज़्यादा डालेंगे, ये वही पानी है जो भगोने में था पका हुआ, तो हमें जितना ज़रूरत होगा उतना डालेंगे। तो बस हमने आधा पानी डाल दिया है, अब कम से कम 5 मिनट के लिए हमें पकाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बथुए की सब्ज़ी आज हमने बना के तैयार किए हैं, तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा एक दफ़े। तो हम इसको ढककर पकाएंगे, तो कम से कम 5 मिनट के लिए हमने ढक दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से हमारे बथुए की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, देखिए कोई भी फूटी नहीं, अलग अलग पीस हैं बिल्कुल, बिल्कुल जैसे लगता है मछली पकी हो। तो बस गैस की फ्लेम को हम बंद कर दे रहे हैं, तो आधा चम्मच हम गरम मसाला ऊपर से छिड़के दे रहे हैं, और कटा हुआ धनिया डाले दे रहे हैं, बस इसको ढक दे रहे हैं। तो अब हम करेंगे प्लेटिंग, तो इस तरह से हम प्लेटिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी आज की रेसिपी बथुए की बनकर तैयार हुई है। हमारी प्लेटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह से बथुए की रेसिपी बनाकर तैयार की, आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, और हमने प्लेटिंग भी कर दी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं आज की रेसिपी बथुए की। तो आप लोगों ने देखी मैंने बथुए से कितनी बढ़िया गोगा स्टाइल में हमने रेसिपी बनाई, तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बहुत लाजवाब बनती। तो चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए, अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।